अब वो पास नहीं, मेरे साथ नहीं, उसे करने को बची बात कही। अब वो पास नहीं, मेरे साथ नहीं, उसे करने को बची बात कही। हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल TLU। दिस इज योर बॉय GCS। सो कोक स्टूडियो सीजन 14 का नया ट्रैक आ चुका है जिसका नाम हैराम है, और इस ट्रैक में अफसर हुसैन और आरोज आफ्ताब हैं, और इन दोनों ही कलाकार को जो है पहली बार सुनने वाला हूं मैं, इससे पहले कभी सुना नहीं है, तो अच्छी बात है, चलो इसी बहाने एक्सप्लोर भी कर लेंगे। और कोक स्टूडियो का जो अभी पिछला ट्रैक आया था सज्जन दसना, जिसमें आतिफ सर और मोमिना थे, उस ट्रैक की भी रिएक्शन वीडियो आ चुकी है, तो आपको आई बटन में मिल जाएगी, जरूर आप चेकआउट करना। अब वो ट्रैक पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया, और जिस तरह ने आतिफ सर ने जो है एक नया यूनिक वो एक्सप्लोर किया, जिस तरह से उन्होंने जो फ्लो स्विचेस किए और म्यूजिक में जिस तरह से नई स्टाइल लेके आए, उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया, मैंने जैसा कि देखा भी था, उन्होंने कहा कि ये रैप म्यूजिक उन्होंने इसमें एक्सप्लोर किया और वो बहुत सिक लगा मेरे को, तो आप लोग प्लीज जरूर जाके चेकआउट करना। और जितने अभी पिछले ट्रैक है उस पर भी जरूर रिएक्शन वीडियो आएगी, बेफिक्र रहो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कोक स्टूडियो सीजन 14, तो अभी जो नए ट्रैक्स आ रहे हैं उस पर रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, और जब टाइम मिलेगा तो उस पर भी जरूर बनाएंगे, उसकी भी जरूर वीडियो लेके लाएंगे। तो और इससे पहले एक चीज और बताना चाहता हूँ, रिएक्ट करने से पहले हमारे खुद के गाने आए हुए हैं, जैसे आपने स्निपेट देखा है, तो प्लीज आप लोग जरूर जाके चेकआउट कर सकते हो गाने, अगर अच्छे लगे तो प्लीज यार अप्रिशिएट करना, अगर नहीं भी अच्छे लगे तब भी बताना कहाँ इंप्रूवमेंट कर सके हैं। और जल्दी हमारा नया ट्रैक भी आने वाले, तो भाई नोटिफाइड रहो, ये जो हमारा ये क्या कहते हैं पेज है, जो हमारा चैनल है, सिर्फ यहाँ पे रिएक्शन वीडियो आपको नहीं मिलेंगे, बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट भी मिलेंगे, हमारे खुद के गाने भी मिल सकते हैं आपको, आपको ब्लॉग्स भी मिल सकते हैं, आपको बहुत चीज़ें मिलने वाली हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आने वाले हैं, तो बस भाई नोटिफाइड रहो, बस भाई हमारे साथ जुड़े रहो, तो चलो ये गाना सुनते हैं। जुड़ना पाए बाद तेरे टुकड़े दिल के रखूं क्या, ठीक है, याद तेरी कोई बात नहीं, लफ्जों में मैं लिखूं क्या, क्या बात है यार, छाँव थी तेरे साथ की, हाँ ठीक है, बेरहम धूप में, ओहो, बहुत बढ़िया यार, दीवाना वार फिरूं खोके अपना जन्मों जो ना बीत सके, ठीक है, हम वो अंधेरे चुन बैठे, क्या बात है यार, कितनी करूं मैं इल्तिजा सही साथ की चांद से, मैं
मूवी से प्ले कर रहे ना, और अच्छा लग रहा सुनने में यार। बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है यार। तू ठीक है, मैं हैरान ना रहा मेरा, तू ने अच्छे से इतने प्यारे तरीके से गाया ना, रियली आई लव्ड इट। एंड ये ना प्री रिकॉर्डेड नहीं है, ये लाइव है। और लाइव में ऐसे गाना और हर एक लाइंस को याद रखना और एक भी सुर ऊपर नीचे ना होना, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये ना ही मिक्स्ड हुआ है, ना ही कुछ हुआ है, ना ये मिक्स्ड हुआ है, ना ये मास्टर्ड हुआ है, लाइक इट इज जस्ट लाइव। क्योंकि मुझे जब मैंने पिछला सुना था आतिफ सर और उनका क्या कहते हैं मोमिना, तो मुझे लगा था क्योंकि वो सीन्स थोड़े से ना वो क्या अलग शॉट हुए थे, मोमिना का अलग जगह शॉट हुआ था और आतिफ सर का अलग जगह शॉट हुआ था, तो मुझे लगा शायद प्री रिकॉर्डेड है। पर सब्सक्राइबर्स ने क्लियर कर दिया कि भाई वो प्री रिकॉर्डेड नहीं, वो लाइव ही है। सो उन सबको सबसे पहले थैंक यू, आपकी वजह से हमको पता चलता है। और अगर इस ट्रैक की बात करें, जो ये है असल लोफाई, ये है असल लोफाई, वो नहीं है कि भाई वो बुढ़े की आवाज कर देते हैं इतना गंदी तरीके से, भाई वो गाने की रेड मार देते हैं ना। और होप करता हूँ भाई इस गाने के साथ कोई ऐसा मत करे, ये तो मतलब एक मिना से सुनने वाला ट्रैक है। कोई अगर जैसे सफर पे जा रहा हो, कोई मतलब सोने वाला हो, तो ये गाना सुने मतलब उसकी नींद प्यारी हो जाएगी। इतने सुरीली, इतनी मधुर, इतनी प्यारी आवाज है दोनों की। और जो केमिस्ट्री थी दोनों की, वोकल्स की जो केमिस्ट्री थी, जो जिस तरह से वो मतलब कर रहे थे, प्रेजेंट कर रहे थे। और आप लाइटिंग्स देखो, जो ये विजुअल्स है, जो लाइटिंग्स है, कितनी प्रॉपरली, कितनी प्यारी दिख रही है लाइटिंग्स। मतलब वीडियो का भी बाखूबी पूरा ख्याल रखा जाता है, हर एक चीज मतलब बहुत सही थी। और जो लाइंस थी, कितनी अच्छी लाइंस थी यार। वो एक ट्रैक आया था ब्रूनो मार्स का, टॉकिंग टू द मून, तो वो भी कह रहे हैं यार कि वो मतलब चांद से मैं अपनी शादी की रखूं है, और इतनी इतनी बातें उन्होंने करी। अभी क्या है, मैं जहाँ पूछ के बीच में एक तो रोकता नहीं, क्योंकि अगर मैं बीच में रोक दूंगा तो व्यूअर्स और मेरा भी जो वाइब बिगड़ जाएगा। तो बाद में जब बोलने बैठे तो बहुत सी लाइंस मतलब भूल जाता हूँ मैं, तो आप लोग कनेक्ट कर लेना प्लीज, अगर ऊपर नीचे कुछ भी हो जाए। और जो वो क्या कहते हैं रिवर्ब आ रहा था पीछे, अब उनकी तरह मैं सुनीदा नहीं, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कितना अच्छा प्रॉपर साउंड कर रहा था, जो डीले, जो रिवर्ब, और ये मिक्स्ड नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, तब इतना अच्छा सुनाई दे रहा था। और इनकी जो कोऑर्डिनेशन है, लाइक ये बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती तब जाके ऐसे बनता ये ट्रैक। रियली आई लव्ड इट, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये लेवल अप ही हो रहा है, ये जो काम हो रहा है लेवल अप ही हो रहा है। दोनों की आवाज बहुत प्यारी लगी मेरे को, कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा लगा, वीडियो भी बड़ी अच्छी लगी। आप भी बताना आपको ये ट्रैक कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।